दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लेने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन मुकदमा चलाने से पहले सही मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं और आरोप ये है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में भर्ती के जरिए पैसे इकट्ठे किए और अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदी।